तादाद में हमारे बहन के साथ है। ये तादाद बता रही है ये सैन्य का साथ जिस मजबूती से लड़ा था इस बार ज्यादा मजबूत होकर लड़ेगा। बता रही है ये सैन्य इस बार 500 सीटों पर वोटों से कामयाब हासिल करे। दोस्तों आपका जो सबसे पहले सवाल हमसे बहसियत स्टैंड होगा कि हम आपको क्यों चुने, आपके चुनने के पीछे क्या सवाल है, तो मैं आपको बता दूं ये बात हकीकत है। अगर आपके पास कुछ तजर्बात हो तो कौन से का नाकाम आने चाहिए। दोस्तों जब मैं नदवतुल उलमा में तालीम हासिल कर रहा था तो वहाँ की स्टूडेंट यूनियन जमीयत इस्लाह का मैं सरगर्म रुकन था और दो साल तक हमने वहाँ काम किया। अजीज साथियों एक बड़ा सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ और इस सवाल का आप जवाब देंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इदारे में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का मतलब क्या होता है। आपका जवाब दो होगा, एक तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपना नुमाइंदा चाहती है, बच्चों को नुमाइंदा चाहती है, और जो दूसरा मकसद होता है कि यूनिवर्सिटी और तालीम इदारों का मकसद यह होता है कि हम ऐसे लीडर को तैयार करते हैं, ऐसे चैलेंज को देते हैं जो कल यूनिवर्सिटी से निकल कर सड़कों तक और हिंदुस्तान की क्यादत में हमारा काम इन्हीं मकसद के तहत अपना विजन रखता है और अपना काम करता है। आज यूनिवर्सिटी में एक माहौल बन गया है, मैं आपको बता दूँ ऐसे पहले के नाम पर क्षेत्र के नाम पर राजनीति करती है, क्या वो पैनल आपके काम आएगा, क्या वो पैनल मैं गुस्सा हूँ सही में आगे जाऊँ यार बहुत हो गया।